अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब के लाल बटन को प्रेस कीजिए और घंटी के बटन को ऑल पर सेट कर दीजिए। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मैं कमलेश कौर आप सबका आपकी रसोई में स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे एक मज़ेदार पंजाबी रेसिपी दाल मखनी। जब आप इसे घर पर बनाएंगे खाएंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। तो चलिए बनाते हैं इसे। दाल मखनी बनाने के लिए मैंने ली है एक कटोरी राजमा। ये राजमा कई कलर में होते हैं और साइज में भी छोटे और बड़े होते हैं। इसी के साथ हम लेंगे एक कटोरी काली उड़द दाल। राजमा और उड़द दाल इन दोनों को हम अच्छी तरह से पहले धो लेंगे। देखिए मैंने दाल को अच्छे से धो लिया है, राजमा को भी अच्छे से धो लिया है और हम इन दोनों को अलग अलग बर्तन में रखेंगे और इसको पानी डालकर 5-6 घंटे तक भिगो कर रख देंगे। देखिए राजमा और दाल इनको भिगे हुए 5-6 घंटे हो चुके हैं। मैंने इनको अच्छे से एक बार और धो लिया है। अब इन दोनों को मैं एक कुकर में डालकर सीटी लगवाऊंगी। इसको मैं कुकर में डाल रही हूँ। दाल को भी मैं इसी तरह से कुकर में डाल दूंगी। दाल और राजमा को उबालने के लिए इसमें मैं डालूंगी 2 गिलास पानी। इसी में मैं डाल दूंगी 1/2 चम्मच नमक। थोड़ा सा डालूंगी हल्दी पाउडर और 1 चम्मच मैं डालूंगी इसमें रिफाइंड मैंने इसलिए डाला है ताकि जब सीटी लगेगी तो पानी जो कुकर का है वो बाहर नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको ढक्कन लगा के 5-6 सीटी आने तक पका लेंगे। जब तक हमारी दाल पकती है हम तड़का लगाने की तैयारी करेंगे। मैंने लिया है 1 बड़ा प्याज, 2 टमाटर, 3 से 4 हरी मिर्च, साबुत लाल मिर्च, तेज़पत्ता और इन सबको हम चॉप कर लेंगे। तड़का लगाने के लिए मैंने गैस पर रख दी है कढ़ाई। इसी में मैं डालूंगी 1 कड़छी तेल। तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं डाल दूंगी साबुत लाल मिर्च, तेज़पत्ता, इसको मैंने मिक्स कर लिया है अभी। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा जीरा, अदरक लहसुन पेस्ट में हम मिक्स कर लेंगे। अभी इसी में मैं डाल दूंगी चॉप किया हुआ प्याज। इसको ब्राउन होने तक थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब इसी में मैं डालूंगी चॉप किया हुआ टमाटर। इसी में मैं डाल दूंगी कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा पानी। पानी डालने से सारा मसाला एकदम से अच्छे से मिक्स हो जाता है। इसको अच्छे से मैं मिक्स करूंगी। 2 मिनट के लिए इसे पकने के लिए ढककर रख दूंगी। जब तक हमारा मसाला पकता है मैं दाल चेक कर लेती हूँ ये बनी या नहीं। देखिए बिल्कुल दाल घुल चुकी है। इसको कड़छी लेके मैं इसको थोड़ा मिक्स कर लूँगी। देखिए हमारी दाल मिक्स हो चुकी है, बस हमें इतना ही मिक्स करना है। अब हम दूसरी तरफ अपना तड़का देख लेते हैं। हमारा तड़का बिल्कुल रेडी हो चुका है। कुकर की पूरी दाल मैं इस कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दूँगी। इन सारी दाल को मिक्स कर लेंगे मसाले में। दाल मखनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 शुद्ध देसी घी के चम्मच। देखिए वाओ कितनी टेस्टी दाल बन चुकी है। मैं गैस बंद कर देती हूँ। अब मैं इस दाल को सर्व कर लूँगी। इसे एक बर्तन में सर्व कर लिया है। धनिया पत्ती से मैं इसकी गार्निश कर दूंगी। होममेड मक्खन के साथ इसे सर्व कीजिए, खाइए, खिलाइए। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।